हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। और मैं भी ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आपको तो पता ही है, कढ़ी बहुत ही अच्छी होती है और सभी के घरों में बहुत पसंद की जाती है। सब लोग बड़े चाव से कढ़ी खाते हैं, कढ़ी चावल, वाह, मुंह में पानी आ जाता है कढ़ी चावल के नाम से। और रोटी के साथ भी वैसे बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ से आप कढ़ी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लेकिन इस कढ़ी में जो पकौड़ी डाली जाती है वो अगर फूले नहीं तो कढ़ी मज़ा नहीं देती है। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी जो पकौड़े हैं वो कढ़ी में खूब फूले फूले बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी थोड़ी सी अच्छी बनती है इसलिए आज मैं आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बाकी आप लोग ट्राई करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर में सभी को मेरी बनाई कढ़ी बहुत पसंद है। लेकिन आपको कैसी लगी ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ उससे आप कढ़ी एक बार बनाइएगा और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कढ़ी कैसी बनी। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने करीब 2 कप बेसन लिया है और बेसन में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी हींग का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पानी से हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो देखिए, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत सारा पानी एकदम से नहीं डालना है। इसमें हमने खाने वाला सोडा या इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अब इस बेसन को खूब फेंटना है, जब पानी हो जाए मतलब एक गाढ़ा सा घोल बन जाए उसके बाद इसको आप खूब फेंटिए। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ही पकौड़े फूले फूले बनेंगे। अब देखिए, ये बेसन हमारा काफ़ी फूला फूला सा हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये बेसन तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। आप रिफाइंड वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी जिस तेल में भी आप बनाना चाहें उसमें पकौड़े बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेल मैंने बहुत थोड़ा लिया है, कढ़ाई में जो तेल मैंने लिया है वो काफ़ी थोड़ा है। तो ये क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, जो पकौड़े मैं डाल रही हूँ वो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं तेल से, बहुत हल्के से, और जब ये फूलेंगे तो ये तेल से और थोड़े से बाहर हो जाएंगे। तो तेल हमें कम क्यों लेना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह से आपको पकौड़े बनाने हैं, छोटे छोटे पकौड़े आप इसमें डाल लीजिए। अगर आप चाहें साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप थोड़ा सा तेल भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, सभी पकौड़े थोड़े से बाहर निकले हुए हैं तेल से। अब हम इनको पलट देंगे। इनको उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए, पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए ये पकौड़ा जो है ये आधा तेल के अंदर था यहाँ तक, और जो इतना ऊपर है ये तेल के बाहर था। इसमें देखिए यहाँ पर एक छेद हो गया है और ये थोड़ा बड़ा छेद है और छोटे छोटे कई छेद हैं यहाँ आसपास। अब ये दूसरा देखा है आपको, ये वाला देखिए, इसमें भी ये देखिए बहुत सारे छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से सभी पकौड़ों में जितने ये तेल से बाहर रहते हैं उनमें छेद हो जाते हैं,
तो इन छेदों से ही जब हम इनको कढ़ी में डालते हैं तो कढ़ी इसमें अंदर तक चली जाती है और कढ़ी एब्जॉर्ब करके ये पकौड़े फूल जाते हैं। अब इसी बाउल में हमें 4 चम्मच बेसन ले लेना है। ये बेसन मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है, आपको छान कर बेसन लेना है। और अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी लम्स वगैरह इसमें ना रहे। अब देखिए ये मिक्स हो गया है, तो अब हमने इसमें ये दही डाल दिया है। ये 1/2 लीटर दही है और इसको मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया था जिससे कि ये एकदम स्मूथ हो जाए। अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, एक बड़ा कप जो कॉफ़ी मग होता है वो भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और फिर से इसको हिला लेना है और इसका घोल तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इतना पतला इसका घोल तैयार हो गया है। अब उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पकौड़े तले थे उसी का एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है और थोड़े से तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा हींग का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप पानी और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये अच्छे से उबलने लगा है, तो अब हम इसमें ये घोल डाल देंगे, जो दही और बेसन का घोल मैंने बना कर रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इस बाउल को धोकर भी मैंने डाल दिया और अभी हमें इसमें और पानी डालना है। देखिए अभी भी पानी कम है, तो अब हम इसमें और अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे। यह देखिए अब ये सही है। तो अगर हम गिलास के हिसाब से देखें तो इस गिलास के हिसाब से करीब 4 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो पहले शुरू में कढ़ी उबलती है तो उफनती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है बर्तन से, तो इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए घोल हमारा इस तरह का रहना चाहिए। अब देखिए ये कढ़ी उबलने लगी है, खोल गई है, तो फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। जब भी कढ़ी उफने तो आप फ्लेम को स्लो कर दें और इसको इसी तरह से धीरे धीरे लगातार चलाते रहना है। और जब ये खोलने लगे तो हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ी बनाते समय हमें काफ़ी देर तक खड़े होकर इसको चलाना पड़ता है। ये देखिए ये अब अच्छे से खोलने लगी है, तो इसी टाइम पर हम इसमें 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए है, अगर आपके पास बच्चे हैं आपके घर में तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें, इसको अवॉइड कर दें। देखिए जो भी रेसिपी है उसमें आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल ही उबल गई है कढ़ी, और अब इसको खोलते खोलते जब से इसने खोलना शुरू किया उसके बाद करीब 20-25 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। तो अब ये कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
और हरा धनिया डालने के साथ ही हमें इसमें डाल देने हैं पकौड़े जो बना कर रखे हैं वो। गैस को ऑफ कर देना है और इनको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद इसको एक बार फिर से चलाएंगे, जिससे कि सारी पकौड़े अच्छे से फूल जाएं। अब फिर से हमें इसको ढककर छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी राई, थोड़ा सा हींग का पाउडर, थोड़ा करी पत्ता, एक साबुत लाल मिर्च जो मैंने तोड़ कर रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा करीब एक चुटकी मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। देखिए ये मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो ना डालें। अब इस तड़के को हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे तो हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये कढ़ी देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक बार फिर बोल रही हूँ पर्सनली कि प्लीज़ आप सभी लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस कढ़ी की रेसिपी को, और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनेगी। जिन लोगों को भी कढ़ी के जो पकौड़े हैं उसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझसे पूछेगा, और बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं जैसे कढ़ी में होती हैं। सिर्फ पकौड़ों का थोड़ा सा रहता है कि फूलते नहीं हैं, कभी फूलते हैं कभी नहीं फूलते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर, उसके बाद बताइएगा कैसी बनी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।